नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, और वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक मैंने चुना है रेनेसां, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से शुरुआत करने का कारण यह है कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आधुनिक यूरोप के इतिहास से संबंधित टॉपिक से ज़्यादा होते हैं, और आधुनिक यूरोप के इतिहास की शुरुआत पुनर्जागरण से मानी जाती है, तो इसलिए मैंने पुनर्जागरण लिया है। पुनर्जागरण के बारे में जानने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज मेरा ऑन कैमरा ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा यदि मैं फ्रेम से दाएं बाएं हो जाऊं तो आप मैनेज कर लेना, लेकिन उससे उस टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसके सारे फैक्ट्स, सभी कुछ जानने को मिलेगा। और जैसे ये ऑन कैमरा मेरा पहला वीडियो है, उससे पहले मैं अलग प्रकार से बहुत सारी वीडियो बनाता रहा हूं, जो आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा है, तो वीडियो वैसे ही होने वाले हैं। उसी तरह से बहुत सारी बातें समझाकर और मैं वीडियो जैसे बनाता हूं वैसे ही बनाता हूं, लेकिन आज मैं ऑन कैमरा हूं, तो ये एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण शब्द की बात करें तो इसका जैसे अंग्रेजी में मैंने लिखा है रेनेसां, तो रेनेसां मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, जैसा कि आप बुक्स में सामान्यतः देखते भी हैं कि रेनेसां फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, और इससे संबंधित शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉर्जियो वसारी ने। ये एक इटालियन थे, जॉर्जियो वसारी, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को इस्तेमाल किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इटालियन है ये, तो इन्होंने रिनसिटा शब्द का इस्तेमाल किया था, रिनसिटा। और इस शब्द को, जो एक्चुअल रेनेसा शब्द है, इसको फ्रांस के एक विद्वान है पियर बेलोन, इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। पियर इस प्रकार से है, ये PIERRE, इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, फ्रांस के प्रकृतिवादी हैं। जॉर्जियो वसारी ने रिनसिटा शब्द कहा था और पियरे बेलोन ने शब्द इस्तेमाल किया था रेनेसा। तो रेनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है, और उससे मिलता जुलता शब्द सबसे पहले जॉर्जियो वसारी ने कहा था, और फिर उसी से कालखंड में फ्रेंच भाषा में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया पियर बेलोन ने रेनेसा। तो ये अब इसका मतलब क्या है, पुनर्जागरण, पुनः जागना। कौन जाग रहा है पुनः? यूरोप। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? यूरोप की, यूरोप का पुनः जागना। अब पुनः जागने का मतलब है कि यूरोप इससे पहले भी कभी जागा हुआ था, तो पहले कब जागा हुआ था यूरोप, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो जागा हुआ था, ऐसा उसमें क्या हुआ था उस कालखंड के दौरान कि यूरोप को पहले जागा हुआ कहा गया, या अब जो पुनर्जागरण कालीन जो ये नया काल है, इस काल में उस काल से प्रेरणा ली जा रही है जिस काल को पहले कहा जाता है कि यूरोप का महान काल था। कौन सा काल था वो, क्या उसमें ऐसा खास हुआ था, ये बात हमें जाननी पड़ेगी। फिर क्यों सो गया, पहले जागा हुआ था यूरोप तो दोबारा सोया क्यों, और सो गया तो ऐसा कौन कौन सा हुआ कि उसको सोना कहते हैं, या यूरोप का अंधकार युग उसको कहा जाता है, ऐसा क्या हो गया उस दौरान, और फिर दोबारा कैसे जाग गया, दोबारा यूरोप क्या क्यों जागा है, किस प्रकार से जागा है, ऐसा क्या हो रहा है यूरोप के अंदर कि आप ये कह दें कि यूरोप दोबारा जाग गया है, यूरोप की प्राचीन जो परंपराएं हैं वो लौट आई हैं, या उसका जो प्राचीन वैभव है वो वापस यूरोप ने प्राप्त कर लिया है, ऐसा क्या घटित हुआ है। तो इन सब बातों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यूरोप का प्राचीन इतिहास थोड़ा सा जानकारी नहीं है, तो आप चाहे पुनर्जागरण पढ़ेंगे, चाहे आप धर्म सुधार पढ़ेंगे, चाहे कोई भी फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, आप उसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यूरोप के प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये जो प्रश्न है ना कि यूरोप पहले कब जागा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप ये सोचते हैं कि मैं सीधा ही आ जाऊं कि लियोनार्डो दा विंची ने कौन सी तस्वीरें बनाई, माइकल एंजेलो ने क्या किया, या किसने कौन सी किताब लिखी, मैं इस प्रकार से नहीं पढ़ाता, मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, और डिटेल में आपको जानना भी चाहिए। तो सबसे पहले यूरोप कब जागा हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने प्राचीन यूनान की सभ्यता के बारे में सुना होगा, यूनान की सभ्यता, उसके कई कालखंड हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो उसके तीन कालखंड हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे पहला है हेलेनिक, दूसरा है हेलेनिस्टिक, और तीसरा इसका कालखंड है हेलेनिक। लगभग यदि हम इसमें बात करें तो जो हेलेनिक है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसको आप हेलेनिक कहेंगे। हेलेनिस्टिक काल 1100 ईस्वी पूर्व से और सिकंदर तक का जो काल है 323 ईस्वी पूर्व तक का,
इसको आप हेलेनिस्टिक कहेंगे। और 1100 ईस्वी पूर्व से लेकर और जब तक इसका पतन होता है 30 ईस्वी पूर्व तक, तो ये जो काल है इसको हेलेनिक कहेंगे। खास तौर से इस कालखंड के दौरान, और हेलेनिक में भी अच्छा खासा हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि यूनान की सभ्यता को ग्रेट कहा जाता है और आधुनिक काल में भी जो रेनेसा की बात हो रही है तो यूरोप के लोग प्रेरणा ले रहे हैं यूनान की सभ्यता से। यूनान की सभ्यता में ऐसा क्या हुआ था? बहुत कुछ। जैसे आपने दार्शनिकों के नाम सुने होंगे, जैसे हिंदी में कहूँ तो मैं आपको जैसे सुकरात है, अफलातून है, अरस्तु, या इंग्लिश में उन्हीं को आप कहेंगे तो सुकरात को आप सोक्रेट्स बोल देंगे, अफलातून का प्लेटो बोल देंगे, अरस्तु को आप एरिस्टोटल बोल देंगे। तो इन जैसे फिलोसोफर इन कालखंड के दौरान हुए, चौथी पांचवीं शताब्दियों के आसपास, ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर क्राइस्ट की। और फिर आप उनके जो साहित्यकार हैं उनकी बात करें, इलियड और ओडिसी लिखने वाले होमर हैं, या एक उनके जो महान कवि हैं हेसियोड, वो भी इन्हीं कालखंडों के प्राचीन यूनान में हुए हैं। हेसियोड जिनकी कविताएं काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे शील्ड ऑफ हरक्यूलीज या वर्क एंड डेज, थियोगनी, इस प्रकार की उनकी कविताएं। तो एक महान कवि हैं जिससे आधुनिक यूरोप में भी लोगों ने प्रेरणा ली। इसके अलावा उस कालखंड के दौरान आप देखेंगे कि इन्होंने 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक करवा दिया था यूनान में, एथेंस में ओलंपिक हुआ, तो ये भी एक बड़ी बात है। या फिर जो उनके महान गणितज्ञ हैं, जैसे एक तो जैसे 10th क्लास में मैथ्स में आता था यूक्लिड, और एक पाइथागोरस पर में आपने पढ़ी होगी, तो यूक्लिड और पाइथागोरस जैसे मैथमेटिशियन है कितने पहुंचे हुए जिनका आज तक हम पढ़ते हैं, तो वो प्राचीन यूरोप ये जो यूनान है इस सभ्यता के कालखंड के दौरान हुए। या फिर इनके जो नाटककार हैं, जैसे आपने यूरिपाइडीज का या सोफोक्लीज का, एरिस्टोफेनीज का इनके नाम सुने होंगे, तो मतलब इसने अच्छे उनके नाटककार, साहित्यकार, उनके लोकतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में यूनान ने हमें प्राचीन काल में आज से 2,500 साल पहले जानकारी दी। और ऐसे ऐसे उनके आज तक हम पढ़ते हैं जिन अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, या फिर सुकरात के बारे में, ऐसे इनके फिलोसोफर हुए। तो निश्चित रूप से इस कालखंड के दौरान इस यूनान की सभ्यता में लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था और काफ़ी विकसित सभ्यता कही जाती है। या फिर इस कालखंड की आप चाहे वास्तुकला की बात करें तो पार्थेनन जो एथेंस में मंदिर है, एथिना इनकी जो एक देवी है एथिना, उसका मंदिर है पार्थेनन, उसके आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं, कितनी महान संरचना है वो। और चाहे जैसे मैंने आपको लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में बताया, और इनके जो नगर राज्य हैं, सिटी स्टेट्स, आपने नाम भी सुने होंगे एक दो के, जैसे एथेंस है, स्पार्टा है, इस प्रकार के विकसित नगर राज्य थे वहां के। तो काफी एक विकसित सभ्यता थी यूनान की सभ्यता। तो फिर इनका पतन कैसे हुआ? इनके पतन होने का कारण है नगर राज्यों के बीच की आपसी लड़ाई। एक तो एक इनके बगल में रोमन साम्राज्य जो कि काफी शक्तिशाली है, यहां पर ये नगर राज्य आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगठित नहीं है, और शक्तिशाली रोमन साम्राज्य इनको अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार बैठा है। तो 30 ईस्वी पूर्व के आसपास यूनान की सभ्यता, आप कह सकते हैं यूनान की सभ्यता का पतन हो गया, और ये एरिया है वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो एक तो आधुनिक जो ये काल कहा जाता है पुनर्जागरण के समय का, इस काल में यूनान की सभ्यता से प्रेरणा ली जा रही है, दूसरी ली जा रही है रोम की सभ्यता से। कह रहे हैं ना कि प्राचीन काल से प्रभावित है, पुनर्जागरण का मतलब कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जैसा यूरोप था वैसे ही दोबारा यूरोप की स्थापना करना या उसी प्रकार के ज्ञान की बाहर लाना। तो एक तो यूनान की सभ्यता से प्रेरणा ली जा रही है, प्राचीन जो यूनानी पुस्तकें हैं उनका अनुवाद किया जा रहा है, दूसरा रोमन साम्राज्य से, प्राचीन रोम की सभ्यता है उससे प्रेरणा ली जा रही है। अब मैं रोम की सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, उससे पहले मैं मिटा देता हूं। रोमन साम्राज्य के बारे में जानने से पहले आपको, जैसे आप आधुनिक नाम जानते हैं रोम, ये इटली की राजधानी है, ये रोम 753 ईस्वी पूर्व में इसको बसाया रोमुलस ने, इस शहर का निर्माण कराया रोमुलस, और एक इसका भाई है रेमस, इनके द्वारा 21 अप्रैल 753 ईस्वी पूर्व को रोम नगर बसाए जाने का इतिहास हमें जानने को मिलता है। यहां से रोम के इतिहास को आप तीन कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला राजतंत्र का काल है, जिसमें आप 753 ईस्वी पूर्व से 510 ईस्वी पूर्व, 753 से 510 ईस्वी पूर्व, ये रोम में राजतंत्र का काल है।
फिर 510 ईस्वी पूर्व से आप इसको कहेंगे लगभग 27 ईस्वी पूर्व तक, ये ईस्वी पूर्व ही चल रहा है अभी तक, 27 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास है। ये रोम में गणतंत्र है, रिपब्लिक है इस दौरान रोम। और उसके बाद में 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक एडी तक ये रोमन साम्राज्य है। ये फिर जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते हैं वो ये है, और ये भी राजतंत्र है। तो रोम के इतिहास को हमने इन तीन कालखंडों में बांट लिया है। अब यहां पर आपको इस गणतंत्र के बारे में देखने की आवश्यकता है, और यहां पर एक विशेष व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूं जो आपने जरूर सुना होगा, जूलियस सीजर, काफी प्रसिद्ध है। और रोमन साम्राज्य के इतिहास की बात करें या रोम के इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति पर बात होती है वो जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर, पोम्पी और क्रेसस, पोम्पी, क्रेसस और जूलियस सीजर, ये तीन व्यक्ति मिलकर फर्स्ट ट्राइम्विरेट, पहली एक तिकड़ी बनाते हैं और तीनों मिलकर शासन संभालने की कोशिश करते हैं। जूलियस सीजर जो गोल इलाके हैं जहां पर जर्मेनिक ट्राइब्स का खतरा रहता है, वहां पर इन इलाकों में जीत पर जीत दर्ज करते हैं, अपनी सेना के साथ होते हैं और अपनी सेना बढ़ाते जाते हैं। रोम में खबरें आ रही हैं कि जूलियस सीजर ताकतवर होता जा रहा है। सीनेट कहती है कि जूलियस सीजर को वापस बुलाया जाए। जूलियस सीजर को कहा जाता है कि वो अपनी सेना भंग कर दे और वापस लौट आए, लेकिन जूलियस सीजर अपनी सेना भंग नहीं करता और अपनी सेना के साथ वापस लौट आता है। जब वो रोम के निकट पहुंचता है तो पोम्पी के नेतृत्व में एक सेना भेजती है सीनेट कि जूलियस सीजर को हराया जाए। जूलियस सीजर ने सीनेट की बात नहीं मानी है, युद्ध होता है, ज्यादा कोई बड़ा युद्ध नहीं है, लेकिन जूलियस सीजर पोम्पी को हरा देता है। अब आकर वो सर्वे सर्वा है, सीनेट का कोई महत्व नहीं है, अपने आप में वो बेताज बादशाह है, यानी उसने राजा का पद ग्रहण नहीं किया लेकिन फिर भी उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन 44 ईस्वी पूर्व में, 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। 23 बार इसके शरीर में चाकू मारे गए। ये जो पोम्पी जिसको युद्ध में हराया था और बाद में इसको मार दिया गया था, इस पोम्पी के ही दो अनुयायी थे, उन्होंने जूलियस सीजर की हत्या कर दी। उन दोनों अनुयायियों के नाम थे केसियस और ब्रूटस, केसियस और ब्रूटस। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने पुनर्जागरण बताया नहीं, लेकिन आधुनिक यूरोप के इतिहास का पहला टॉपिक है, इसको प्राचीन से कनेक्ट करना ही होगा यदि आपको ठीक से समझना है तो। लेकिन यदि आप सिर्फ पुनर्जागरण पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बुक से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। केसियस और ब्रूटस, इन दोनों ने जूलियस सीजर की 44 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी। फिर जूलियस सीजर के मरने के बाद में सेकंड ट्राइम्विरेट बनती है, दूसरी तिकड़ी, जिसमें एक है ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन कौन है? जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है ये ऑक्टेवियन। वैसे इसके रिश्ते में लगता है कुछ, ये जैसे आप समझने की कोशिश करना, जूलियस सीजर की भांजी का बेटा है ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर की एक बहन है, उस बहन की बेटी है और उस बेटी का बेटा ऑक्टेवियन है, यानी भांजी का बेटा हो गया ऑक्टेवियन। और इसको जूलियस सीजर ने दत्तक पुत्र इसका अपना गोद लिया है और अपनी जो सारी वसीयत है वो इसके नाम की हुई है, ऑक्टेवियन। दूसरा ट्राइम्विरेट में है मार्क एंटनी, एंटनी बोल दीजिए या एंटोनी बोल दीजिए, ये ऑक्टेवियन का बहनोई है, यानी ऑक्टेवियन की एक बहन है, ऑक्टेविया द यंगर, ऑक्टेविया द यंगर। इसकी शादी, ऑक्टेवियन की बहन है ऑक्टेविया द यंगर और इसकी शादी होती है मार्क एंटनी के साथ, यानी मार्क एंटनी ऑक्टेवियन का बहनोई है। और इसके बाद में एक तीसरा है लेपिडस, ये तीनों मिलकर सेकंड ट्राइम्विरेट बनाते हैं, यानी शासन की चाबी अब इन तीनों के हाथ में है। मार्क एंटनी पहले जूलियस सीजर का अहम सहयोगी था, लेपिडस भी जूलियस सीजर का साथी था और उसका सहयोगी था। अब इन तीनों ने मिलकर 44 बीसी में जब सेकंड ट्राइम्विरेट बनती है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि केसियस और ब्रूटस जिसने जूलियस सीजर को मारा है उनसे बदला लिया जाए। तो फिलिपी का युद्ध होता है, फिलिपी में युद्ध होता है और 42 ईस्वी पूर्व में, यानी जूलियस सीजर की मृत्यु के 2 साल बाद ही हरा दिया जाता है केसियस और ब्रूटस को। और ये सोचते हैं कि हमारे साथ बदला लिया जाएगा तो ये दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से केसियस और ब्रूटस को निपटा दिया जाता है। अब इन तीनों में विवाद होने लगता है, सत्ता किसके हाथ में रहे, तीनों में आपस में विवाद होने लगता है, यानी जो सेकंड ट्राइम्विरेट के सदस्य हैं इनमें विवाद है।
लेपिडस अपने आप को अलग कर लेता है इस विवाद से, वो कहता है मैं हटता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, या और भी जो भी परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम ज्यादा इतनी कहानी कहनी ठीक नहीं है। ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी बचते हैं, मार्क एंटनी के रिलेशनशिप बन जाते हैं मिश्र की रानी है क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा इसके साथ इसके प्रेम संबंध है, हालांकि जो मिस्र की जो रानी है क्लियोपेट्रा इसके साथ रिलेशनशिप पहले जूलियस सीजर के भी थे, और कहा जाता है कि इन दोनों की एक संतान भी हुई थी जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की। अब मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा से मार्क एंटनी काफी प्रभावित हो जाता है, और उसके प्रेम संबंधों के चक्कर में ये ऑक्टेविया द यंगर जो ऑक्टेवियन की बहन है इसको तलाक दे देता है। इसके अलावा शायद इसकी एक और पत्नी है, पहली पत्नी, उसको भी वो तलाक दे देता है। इससे संबंधों में और खटास इनकी आ जाती है, क्योंकि एक तो पहले से ही सत्ता प्राप्त करने के लेकर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, और बाद में ऑक्टेविया द यंगर यानी ऑक्टेवियन की बहन को मार्क एंटनी जब तलाक दे देता है तो रिश्तों में और भी ज्यादा खटास आ जाती है, और फिर इन दोनों में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मार्क एंटनी के साथ मिस्र की सेना भी है, क्लियोपेट्रा जो खुद अपना जो शासन है वो बचाने की जुगत में है, इसीलिए वो जूलियस सीजर के साथ आई थी, इसीलिए वो मार्क एंटनी के साथ है। अब क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की संयुक्त सेना को ऑक्टेवियन हरा देता है, ये लगभग आप कह सकते हैं 31 ईस्वी पूर्व के आसपास की बातें हैं। क्लियोपेट्रा और ऑक्टेवियन कुछ समय बाद मारे जाते हैं, ये तो उसी समय घायल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्टेवियन अब अकेला है, और 27 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ये देखिए यहां आ जाइए, अब 27 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य की शुरुआत, मिस्र भी इसके अंदर अब मिल चुका है क्योंकि क्लियोपेट्रा हार चुकी है, तो यहां से रोमन साम्राज्य की शुरुआत होती है जिसको हम रोमन एम्पायर बोलते हैं, और ऑक्टेवियन अब राजा बनता है, और राजा बनते समय ये नाम अपना रखता है, इसकी उपाधि है अब ऑगस्टस सीजर। ये रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट बनता है 27 ईस्वी पूर्व में, ये ऑक्टेवियन है जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा। तो यहां से ये रोमन जो साम्राज्य है इसकी शुरुआत होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। अब हम बात करते हैं इस रोमन साम्राज्य की जिसका पहला सम्राट ऑगस्टस सीजर बना है। रोमन साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य जैसा कि मैंने आपको बताया 27 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत होती है, ऑगस्टस सीजर यानी जो ऑक्टेवियन है वो इसका पहला सम्राट बनता है। अब इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, कब बंटता है दो भागों में वो भी मैं आपको बताऊंगा, दो भागों में, एक है पश्चिमी वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और दूसरा है पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, या इसको आप बाइजेंटाइन साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है इसके लिए आप डेट कह सकते हैं कि ये 27 बीसी से 476 एडी तक इसका कालखंड है। ये जो साम्राज्य है ये 395 एडी से लेकर, और इसका 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है तब तक इसका कालखंड है। तो ये जो रोमन साम्राज्य है ये धीरे धीरे इतना बड़ा होने लगता है कि इसमें यूरोप तो है ही, उत्तरी यूरोप को छोड़कर ज़्यादातर यूरोप का हिस्सा है, इसके अलावा इसमें अफ्रीका का भी कुछ पार्ट है, एशिया का भी थोड़ा पार्ट है, भूमध्य सागर सारा इनके अंडर में है, तो काफ़ी बड़ा इलाका हो जाता है। तो इनका एक सम्राट होता है जो इसको डिवाइड करने की कोशिश करता है दो पार्ट में, 285 ईस्वी में एक सम्राट है जो कहता है कि ये काफी बड़ा हो गया है, शासन संभालने में दिक्कत है, तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं। वैसे विभाजन नहीं है, राजा इसका एक ही है अभी तक, लेकिन वो उसके दो केंद्र बनाने की कोशिश करता है। उस राजा का नाम है डायोक्लेशियन, सम्राट है रोमन सम्राट डायोक्लेशियन, ये सबसे पहले 285 ईस्वी में कोशिश करता है, मतलब इसको दो पार्ट में प्रशासन ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद में इसका एक राजा आता है कॉन्स्टेंटाइन, ये 306 से 337 ईस्वी तक राजा है। ये सबसे पहले तो काम क्या करता है, इसको रीयूनाइट करता है, यानी दोबारा से इसका एकीकरण कर देता है पूरे साम्राज्य का। लेकिन ये एक काम और करता है कि ये रोम की बजाय नई राजधानी बनाता है, इसको कैंसिल, नई राजधानी बनाने की कोशिश करता है, और उस राजधानी का नाम वो रखता है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल अपने नाम पर,
पुराना जो रोम है उसका नाम रोमुलस के नाम पर था, इसने अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी बनाई, जिसको आप हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। कुस्तुनतुनिया कहां है? ये तुर्की में। तुर्की का कौन सा हिस्सा? आपको मैप जरूर पता होना चाहिए। तुर्की का जो एशिया साइड वाला हिस्सा है उसको एशिया माइनर बोलते हैं, और उसका यूरोप की तरफ का जो थोड़ा सा बीच में पानी है, अभी तो पुल वगैरह बने हुए हैं वहां पर, तो वहां से जैसे यूरोप की ओर आते हैं वहां पर अभी एक शहर है इस्तांबुल। तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी थी इस नाम पर, इस्तांबुल शहर पर इस्तांबुल। ये एक ही बात है। कॉन्स्टेंटिनोपल हिंदी में आप इसको कह देते कुस्तुनतुनिया, आजकल इसका नाम है इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है। तुर्की का जो यूरोप की साइड वाला हिस्सा है वहां पर स्थित है। तो ये नई राजधानी बनाता है, कब बनाता है ये? 324 से 330, 324 में घोषणा करता है, 330 में ये राजधानी बन जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल। फिर 395 एडी में ये ऑफिशियली दो भागों में बढ़ जाता है। थियोडोसियस नाम का एक सम्राट है, रोमन सम्राट थियोडोसियस, इसकी मृत्यु होती है 395 में। इसके मरने के बाद में इसके दो बेटे आपस में बातचीत करके कह देते हैं कि ये हमारा साम्राज्य दो भागों में बढ़ता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसको पहले बाइजेंटियम था यहां पर, इसलिए इसको बाइजेंटाइन या बाइजेंटियम एम्पायर भी बोलते हैं। तो वो दो भागों में बांट देते हैं। तो ये दो भागों में बटा कब है एकदम सही तरीके से? 395 में। और ये जो 27 ईस्वी पूर्व से रोमन साम्राज्य चलता आ रहा है, ये दो भागों में बट गया 395 में। 27 ईस्वी से लेकर 476 उत्तर की ओर से जर्मन ट्राइब्स हैं, जैसे फ्रेंक्स वगैरह हैं, उनका काफी सारा आक्रमण यहां पर होता है, बर्बर जातियों का। और धीरे धीरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, और 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य है वो अपने स्थान पर बना हुआ है। और ये 395 से लेकर 1453 तक, यानी इसके पतन के लगभग 1000 साल बाद तक ये टिका रहता है। और 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तुर्क यहां पर लगातार आक्रमण करते हैं, और कॉन्स्टेंटिनोपल पर उनको उनका आधिपत्य स्थापित कब होता है? 1453 में। तो ये है यूरोप के बारे में जानकारी, मतलब उनका जो रोमन इतिहास है उसके बारे में। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के बिना यूरोप के इतिहास को समझना टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए मैं देखिए पुनर्जागरण पढ़ा रहा था और कहाँ पहुँच गया हूँ, ये जरूरी है, क्योंकि मैं आज विश्व इतिहास की शुरुआत कर रहा हूँ, और मेरे बहुत से विद्यार्थी ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरे सारे वीडियो देखते हैं। तो भले ही उनको पुनर्जागरण में थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन वो विश्व के इतिहास को ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से समझने लगेंगे यदि मैं शुरुआत इस प्रकार से कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में मैं जैसे धर्म सुधार पढ़ाऊंगा या फ्रांस की क्रांति पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ऐसे थोड़ी बताता जाऊंगा हर बार रोमन साम्राज्य के बारे में। लेकिन यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है तो आगे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये रोमन साम्राज्य, अब हम पुनर्जागरण की बात करें, एक तो ये रोम की सभ्यता और एक यूनान की सभ्यता, इन दोनों से अब यहां पर बड़े बड़े यहां पर शहर है प्राचीन रोमन साम्राज्य के अंदर, वास्तुकला उनकी बहुत शानदार है, तो इससे भी प्रभावित है और पुनर्जागरण में योगदान है प्राचीन रोम की सभ्यता का और प्राचीन यूनान की सभ्यता का। तो यहां तक ये जानना जरूरी था। अब हम वापस आएंगे और अब हम बात करेंगे पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण की बात करने से पहले देखिए रोमन साम्राज्य का पूरा इतिहास बता दिया है, तो एक और रह जाता है। ये नाम आपको आएंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, यूरोप के इतिहास में पवित्र रोमन साम्राज्य, जो 476 एडी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसकी पुनर्स्थापना का एक प्रयास होता है, और 25 दिसंबर 800 ईस्वी को, 800 एडी में 25 दिसंबर 800 को पोप के द्वारा दोबारा ये कोशिश होती है कि एक रोमन साम्राज्य हो, और शार्लमन, हिंदी में इसको शार्लमन कहते हैं, ये इसको राजा बनाया जाता है 25 दिसंबर 800 को। पवित्र रोमन साम्राज्य, ये ज्यादातर जर्मन मूल के हैं, फ्रैंक हैं ये, और शार्लमन अंग्रेजी में इसको अलग ही तरीके से लिखते हैं, देखो इस प्रकार से, हिंदी में इसको शार्लमन बोलते हैं या शार्लमन, इस प्रकार का इसका उच्चारण है। तो 25 दिसंबर 800 ईस्वी को ये होता है खासतौर से, और ये लगभग आपका चलता है 1806 तक। 1806 में जो नेपोलियन वाले वार है, फ्रांस की ओर से इन पर जो आक्रमण होता है, ये खासतौर से फैला हुआ है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, थोड़ा सा रोम की तरफ वहां फैला हुआ है, और कम ज्यादा तो एरिया होता रहता है, इतने कालखंड हजार साल की बात होती है। तो 1806 में नेपोलियनिक वार के बाद में ये एंड हो जाता है। ये ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है इतिहास, लेकिन आपको पवित्र रोमन साम्राज्य समझना हो, होली रोमन एम्पायर, इंग्लिश में इसको कहते हैं होली रोमन एम्पायर, तो वो ये है 800 ईस्वी में
पोप के द्वारा शार्लमन को मतलब मुकुट पहनाया जाता है और होली रोमन एम्पायर की, और बाद में 1806 के बाद में नाम मात्र का बच जाता है ऑस्ट्रिया के अंदर, यानी एक जो बड़ा साम्राज्य है वो सिर्फ ऑस्ट्रिया के अंदर ही बच जाता है। हालांकि रोमन साम्राज्य जितना महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पवित्र रोमन साम्राज्य बार बार नाम आएगा तो आपको ये समझना है कि उस रोमन साम्राज्य से ये अलग है, होली रोमन एम्पायर। ये पोप की कोशिश से और इसको शार्लमन को बनाया जाता है, इसके बाद में कई सारे सम्राट बनते हैं। इसका भी एक बड़ा इतिहास है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया। अब हम पुनर्जागरण के बारे में दोबारा लौट आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 476 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, और इसके बाद में कहा जाता है कि यूरोप का एक प्रकार से अंधकार का युग शुरू हो गया। हालांकि आजकल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि पहले विद्वान मानते थे कि जो मध्यकाल है यूरोप का, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण तक का जो काल है उसको मध्यकाल कहते हैं। तो ये जो मध्यकाल है इसको अंधकार युग कहते थे। तो आजकल ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि पहले कहा गया कि मध्यकाल में विकास यूरोप का बिल्कुल रुक गया, अवरुद्ध हो गया, न तो कला के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न व्यापार में, कहीं भी प्रगति नहीं है, प्रगति रुक गई है। और 13वीं 14वीं शताब्दी में यूरोप ने अंगड़ाई ली, अपने प्राचीन ज्ञान को खोजने का प्रयास किया, प्राचीन जो यूनान और रोम की सभ्यता है उनसे प्रेरणा ली, और फिर से यूरोप प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। लेकिन आजकल के जो विद्वान हैं, यानी 1950-60 के बाद की जो इतिहास है, उसमें यह माना जाता है कि न तो मध्यकाल उतना बुरा है जितना पहले बताया गया, और न आधुनिक काल में इतना कुछ बेहतर हुआ है जितना यहाँ पर बताया जा रहा है पुनर्जागरण काल के दौरान। तो कहा गया है कि पहले जो कहा गया वो अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, पुनर्जागरण की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो ये भी एक थ्योरी है जिसका मतलब कोई मेंस का एग्जाम होता है जैसे आरएएस वगैरह में, उसमें पूछा जा सकता है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे आप देश की बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से, और स्पेसिफिक तौर पर आप बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत फ्लोरेंस से, इटली के शहर फ्लोरेंस से मानी जाती है कि 13वीं सदी के आसपास इटली के शहरों में प्राचीन जो यूनान और रोमन जो इतिहास है या उनकी जो कृतियां हैं उनका अनुवाद होने लगा, लोग उनको पढ़ने लगे और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। तो फ्लोरेंस विद्वानों का गढ़ माना जाता है इटली में, और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। अब इसका कारण क्या है, इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, इटली से ही क्यों, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य, क्योंकि इटली की राजधानी रोम है और इटली का एक मतलब शहर मान सकते हैं रोम, तो यहाँ ये प्राचीन इतिहास से संबद्ध था। लंबे समय तक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था, या पहले उसको सिर्फ रोमन साम्राज्य भी कहें, तो उसकी राजधानी रोम थी और उसके जो प्राचीन अवशेष हैं वो आज भी रोम में देखे जा सकते थे। आज की बात नहीं कर रहा मैं, उस आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, पुनर्जागरण काल की। तो लोग कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी कि हमारी सभ्यता इतनी मतलब विशिष्ट और इतनी भव्य रही है कि पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर रोम माना जाता था, ये जो हमारा एरिया माना जाता था। तो ये भावना इटली के लोगों में अभी भी या रोम के आसपास के इलाकों में लोगों को थी, जानकारी थी इसके बारे में। फिर इसके बाद में व्यापार, इटली की जो स्थिति है भूमध्य सागर में, यदि आप मैप में देखें, मैं साइड में दिखा भी रहा हूं, तीन ओर में देखिए आप भूमध्य सागर में किस प्रकार से है ये। तो व्यापार, जैसे चाहे एशिया के साथ में व्यापार हो, चाहे अफ्रीका के साथ में व्यापार हो, ये इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे इसके जो शहर हैं सारे ये भूमध्य सागर के अंदर आते हैं और कई महत्वपूर्ण बंदरगाह इनके शहरों में बने हुए हैं। तो व्यापार के कारण यहाँ के जो शहर हैं उनकी प्रगति हुई, खूब सारा धन आया, और जब एक्स्ट्रा धन आता है तभी कलाओं की प्रगति होती है। जब राजा शासक या कोई भी जिसके पास पैसा हो तभी तो वो कलाकारों को अफोर्ड कर सकता है, तभी कलाकारों को कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कला के सहारे वो मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई धनी परिवार हुए फ्लोरेंस में भी और इटली के अन्य शहरों में भी, जहाँ पर उन्होंने कलाकारों को आश्रय देना शुरू किया। तो एक तो यहाँ का प्राचीन रोम से संबद्धता वो लोगों के मन में थी, एक यहाँ पर व्यापार, और व्यापार के कारण नगरों का जो विकास हुआ है और जो नगर राज्य बने हैं उसके कारण यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, यानी बदलाव आया है। इसके अलावा जैसे आप, मैंने आपको बताया था कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वहां से जो जितने भी विद्वान थे वहां पर प्राचीन जो यूनान की जो सभ्यता से संबंधित उनके जो फिलोसफर हैं या प्राचीन उनकी जो भी कृतियां हैं, उनके जो साहित्य हैं, वो सब यहां पर संजोकर रखे गए थे, क्योंकि
476 एडी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का तो पतन हो गया, सारे विद्वान यहां पर हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य में, वहां पर टिके हुए हैं। हालांकि 1453 से पहले भी कुछ हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो सारे विद्वान वहां से यूरोप में आए हैं और अधिकांश आकर बसे हैं इटली के शहरों में। तो वहां से वो लेकर आए हैं प्राचीन पांडुलिपियां यूनान की, और उनके बारे में जब इटली के लोगों ने पढ़ा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और उनको जो प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली और उससे वो प्रेरित हुए। लेकिन 1453 में ही नहीं, 1453 से पहले भी कई सारे विद्वान और वहाँ से पूर्वी रोमन साम्राज्य से, यानी जो कुस्तुनतुनिया है उनकी राजधानी, वहां से आए थे और प्राचीन पांडुलिपियां लेकर आए थे। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक तो है ग्वारिनो द वेरोना, ग्वारिनो द वेरोना, एक तो ये विद्वान प्राचीन पांडुलिपियां लेकर कुस्तुनतुनिया से इटली में आए थे। तो ये 1403 से 1409 तक वहां पर रहे थे और 50 पांडुलिपियां वहां से, प्राचीन पुस्तकों की जो मूल कृतियां हैं वो वहां से लेकर आए थे। इसके बाद में एक नाम है जियोवानी ओरिस्पा, जियोवानी ओरिस्पा, ये भी वहां से 238 प्राचीन पांडुलिपियां लेकर आए थे। कई किताबों में 200 दे रखा है, वो ठीक नहीं है, ये 238 प्राचीन पांडुलिपियां लेकर आए थे और ये भी 1453 से पहले आए हैं, लगभग 1413 से 23 तक वहां रहे, 23 में आए हैं ये 238 पांडुलिपियां लेकर आए। तो ये जो प्राचीन कृतियां हैं इसका जब मतलब वहां पर फिर अनुवाद वगैरह हुआ और वहां के लोगों ने पढ़ा तो इसका काफी सारा प्रभाव पड़ा है और 1453 में तो फिर काफी सारे विद्वान यहां पर यूरोप के देशों में आए हैं, खासतौर से इटली के अंदर। तो ये काफी प्रभाव पड़ा है जो कुस्तुनतुनिया से विद्वान प्राचीन साहित्य लेकर इटली के शहरों में या अन्य शहरों में आए हैं। यहां हम इटली के पुनर्जागरण की यहां से शुरुआत क्यों उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत में भी हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। यहां पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फिशर से संबंधित एक दो स्टेटमेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो प्राचीन यूनान की साहित्य है उसकी कृतियां यहां पर आई है और उसके कारण यहां पर यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। तो इसलिए फिशर जो आधुनिक यूरोप है उसको यूनान की विरासत कहता है, यूनान की विरासत, कि आधुनिक यूरोप है वो यूनान की विरासत है। किसको कहा है? आधुनिक यूरोप को, क्योंकि उसकी कृतियों का प्रभाव है। तो ये किसका कथन है? फिशर का। फिशर से संबंधित यहां रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं एक और पॉइंट बता देता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, जो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसका एक कथन है कि वो मध्यकाल के बारे में कह रहा है, मध्यकाल के बारे में उसका कथन क्या है कि प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया है और नया उपलब्ध नहीं है, प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया है और नया उपलब्ध नहीं है। देखिए हैंडराइटिंग वगैरह आप थोड़ा सा देख लेना जल्दबाजी में, मैं धीरे धीरे हैंडराइटिंग के चक्कर में लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाता है, वैसे भी बोर्ड पे टाइम ज्यादा लगता है। पुनर्जागरण के ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये है कि इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, लेकिन साथ ही क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुनर्जागरण हुआ क्यों, पुनर्जागरण का कारण क्या है। तो इससे इटली वाले जो पॉइंट है वो भी कई सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो है व्यापार का विकास, इसमें खासतौर से इटली वाला ही नाम आएगा, व्यापार का विकास। 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास जो व्यापार का विकास हुआ है उसके कारण नगरों का विकास हुआ है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ है और इस मध्यम वर्ग ने नई सोच को बढ़ावा दिया है। कई सारे धनिक लोग यूरोप के शहरों में पैदा हुए हैं, खासतौर से इटली में, उसके कारण पुनर्जागरण हुआ है। तो ये व्यापार का विकास है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे भौगोलिक खोजें, नए नए स्थानों की खोजें हो रही हैं इस कालखंड के दौरान, तो इसको भी आप एक पुनर्जागरण का कारण मान सकते हैं। या जो यात्री वहां पर गए, जैसे मार्को पोलो कुबलाई खान के, जो मंगोल शासक था कुबलाई खान, उसके दरबार में गया, या जो धर्म युद्ध है ये भी, इसको भी एक कारण मान सकते हैं। पहले मैं ये बता देता हूं, धर्म युद्ध, क्रूसेड्स, आपने नाम सुना होगा क्रूसेड्स, धर्म युद्ध जिनको कहा जाता है, ईसाइयों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में तो धर्म युद्ध हुए, उसके माध्यम से अरबों के संपर्क में आए ईसाई और उन्होंने देखा कि अरबों ने प्राचीन जो यूरोपीय पांडुलिपियां हैं उनका अरबी में अनुवाद कर रखा है, भारत और चीन से काफी कुछ सीख रखा है और यूरोप की तुलना में काफी ज्यादा उन्होंने सीखा हुआ है, काफी उन्नत उनकी सभी बातों में उनसे आगे निकले हुए हैं। तो उनको देखकर मतलब उनका जो कुएं के मेंढक वाली स्थिति उनको मालूम हुई कि अरब लोग हमसे कितना ज्यादा जानने लग गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके अंदर भूल रहा हूं, जैसे छापे खाने का आविष्कार,
छापे खाने का आविष्कार यानी प्रिंटिंग मशीन का। गुटेनबर्ग ने जर्मनी के अंदर प्रिंटिंग मशीन की खोज कर ली। गुटेनबर्ग ने कहाँ का था ये? जर्मनी का। हालांकि इससे पहले चीन में प्रिंटिंग मशीन का काम होता रहा था, लेकिन वो लकड़ी के बक्से से किसी प्रकार की छपाई करते थे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इन्होंने आधुनिक प्रकार की मशीन बनाई गुटेनबर्ग ने 1454-55 के आसपास, और इन्होंने जो पहली किताब इससे छापी वो थी बाइबल। बाइबल की प्रतियां इसने निकाली। हालांकि इससे पहले इन्होंने एक 30 लाइन का एक पेपर सा निकाला था, पोप निकोलस फाइव का, एक इंडल्जेंस ऑफ पोप निकोलस फाइव कहा जाता है, उसकी प्रति निकाली थी। लेकिन वो किताब नहीं थी, एक 30 लाइन का एक डॉक्यूमेंट था, द इंडल्जेंस ऑफ पोप निकोलस फाइव ऐसा उसको कहते हैं। लेकिन किताब की बात करें तो इसने अपनी मशीन में बाइबल का प्रकाशन किया था। अब छापे खाने से क्या हुआ कि जो प्राचीन यूरोप की सामग्री है, यूनान का जो इतिहास है, उसके जो फिलोसफर्स हैं उनकी किताबें हैं, या उसका जो साहित्यकार है उनकी किताबें हैं, अब वो थोड़ी सी सस्ती बनने लग गई, क्योंकि हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि न तो ज़्यादा लिखी जा सकती हैं और वो महंगी होती हैं। अब प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के कारण लोगों तक उन किताबों को पहुंचाना आसान हो गया और ज़्यादा लोग उन किताबों को पढ़ने लगे। पर एक फिर मैं जो बात कर रहा था, जैसे मार्को पोलो कुबलाई खान मंगोल शासक के दरबार में गया था, तो उसके द्वारा भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो यात्री जिन्होंने यात्रा की अरब प्रदेशों की या मंगोल साम्राज्य की, तो मंगोलों का योगदान भी आप इसमें मान सकते हैं पुनर्जागरण में, कि उसके माध्यम से यूरोप के यात्रियों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और वो यहाँ पर आके, यूरोप में आके उन्होंने उस ज्ञान के बारे में बताया। तो ये इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, या इटली से पुनर्जागरण, इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, इस बातों के बारे में हमने चर्चा की। तो इसके बाद में जैसे पुनर्जागरण काल के दौरान चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, ऐसा क्या लिखा गया जिसको बदलाव का सूचक माना जा सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एक तो वीडियो शायद बड़ा हो गया है, दूसरा मुझे ये भी पता नहीं चल पा रहा कि मैं ठीक प्रकार से आज लिख पाया हूँ या नहीं, या मैं फ्रेम में था कि नहीं, ये बहुत सी बातें मुझे भी देखनी है, क्योंकि मैंने कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं लगाया, मैं सिर्फ फ़ोन के कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैक कैमरा से, तो मुझे स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही, और मेरी कोशिश है, मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ, कैमरा में देखने का भी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सब बातें मैं देखूंगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और क्या ये तरीका कारगर है, क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या इस प्रकार से इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं, या जो मैं पहले PDF वगैरह बना के पढ़ाता था वो तरीका आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सब बातों के बारे में, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी सोच है इस वीडियो के बारे में, उसके बारे में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना, उसके माध्यम से मैं अगले वीडियो में या उससे और आगे आने वाली वीडियो में धीरे धीरे सुधार करता जाऊँगा। धन्यवाद।